नमस्कार। इस लेसन में हम सीक्वेंस ऑफ टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। कई बार ऐसा होता है कि कोई ऐसे सेंटेंस होते हैं जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, जिसमें प्रिंसिपल क्लास में भी टेंस होता है और सबॉर्डिनेट क्लास में भी। तो प्रिंसिपल क्लास में जो टेंस होता है उसी के अनुसार हम सबॉर्डिनेट क्लास में टेंस का प्रयोग करते हैं। तो टेंस में बैलेंस बनाना, प्रिंसिपल क्लास और सबॉर्डिनेट क्लास के टेंसेस में एक हैप्पी बैलेंस बनाना, एक फाइन बैलेंस बनाना, इस अध्याय में हम आज के लेसन में हम सीखेंगे। ये दोनों वाक्यों को देखिए, ही सेड दैट ही इज गोइंग टू द मार्केट। ये सेंटेंस अब यहाँ पर गलत है। उसने, हालांकि हिंदी में जब हम बोलेंगे इसको तो ये होगा उसने कहा कि वह बाजार जा रहा है। हिंदी में जो बोलेंगे तो उसने कहा ठीक है, दैट ही इज गोइंग टू द मार्केट, कि वो बाजार जा रहा है। सेंटेंस हिंदी में जब हम हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे इसको तो सही प्रतीत होगा हमें, लेकिन ये सेंटेंस गलत है क्योंकि यहाँ पर पास्ट टेंस है। तो हमारे लिए कंपलसरी है कि जब प्रिंसिपल क्लास में पास्ट टेंस हो तो सबॉर्डिनेट क्लास में भी पास्ट ही टेंस हो। अब ये सेंटेंस देखिए, ही सैड दैट ही वॉज गोइंग टू द मार्केट। यहाँ पर ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है ग्रामेटिकल दृष्टि से। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि किस प्रकार हमसे छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं टेंस से संबंधित। तो इसके बारे में कुछ रूल्स हम इस लेसन में पढ़ेंगे। तो पहला रूल है, इफ द प्रिंसिपल क्लास ऑफ द सेंटेंस इज इन द प्रेजेंट टेंस, द सबॉर्डिनेट क्लास मे बी इन एनी ऑफ द थ्री टेंसेस, दैट इज प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। कहने का अर्थ ये है कि अगर प्रिंसिपल क्लास में प्रेजेंट टेंस है तो सबॉर्डिनेट क्लास तीनों टेंसेस में से किसी भी टेंस में हो सकती है। ठीक है, जैसे ही सेज, पहले तो ये देखिए कि ये है प्रिंसिपल क्लास और ये है सबॉर्डिनेट क्लास। कहने अभी यहाँ पे रूल ये कहता है कि अगर प्रिंसिपल क्लास में प्रेजेंट टेंस हो तो यहाँ पर हम किसी टेंस का प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ पर हमारा सेंटेंस गलत नहीं होगा। जैसे ही सेज दैट ही इज वॉचिंग टेलीविजन, यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। ही सेज दैट ही वॉच वॉचिंग टेलीविजन, यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूस है। वर्ब हमारे पास जो प्रिंसिपल क्लास का जो टेंस है वो प्रेजेंट है। उसके बाद ही सेज दैट ही विल बी वॉचिंग टेलीविजन एट 10 PM, यहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूअस है। उसके बाद हम इस प्रकार देखते हैं कि अगर प्रिंसिपल क्लास प्रेजेंट टेंस में हो तो सबॉर्डिनेट क्लास में कोई भी टेंस हो सकता है। दूसरा है, इफ द प्रिंसिपल क्लास ऑफ ए सेंटेंस इज इन द फ्यूचर टेंस, द सबॉर्डिनेट क्लास मे बी इन एनी ऑफ द थ्री टेंसेस, दैट इज प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इसका अर्थ ये है कि अगर हमारी प्रिंसिपल क्लास फ्यूचर टेंस में है तो सबॉर्डिनेट क्लास किसी भी टेंस में हो सकती है। किसी भी टेंस का मतलब प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में। आइए एग्जांपल देखते हैं। ही विल से दैट ही विल ऑलवेज स्पीक, ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ। यहाँ पर ये प्रिंसिपल क्लास है, ये सबॉर्डिनेट क्लास है। यहाँ प्रिंसिपल क्लास फ्यूचर टेंस में है तो प्रिंसिपल क्लास प्रेजेंट इंडेफिनेट में है। आगे है, ही विल से दैट ही डिड नॉट किल द स्नेक। यहाँ पर प्रिंसिपल क्लास फ्यूचर टेंस में है लेकिन सबॉर्डिनेट क्लास पास्ट इंडेफिनेट टेंस में है। आगे, ही विल से दैट ही विल नॉट रिटर्न द मनी। यहाँ पर प्रिंसिपल क्लास फ्यूचर टेंस में है लेकिन सबॉर्डिनेट क्लास फ्यूचर टेंस में है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जब प्रिंसिपल क्लास फ्यूचर टेंस में हो तो सबॉर्डिनेट क्लास किसी भी टेंस में हो सकती है। जैसे पहले वाक्य में प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में है, दूसरे में पास्ट इंडेफिनेट टेंस में है और तीसरे में फ्यूचर टेंस में है। रूल नंबर 3, इफ द प्रिंसिपल क्लास ऑफ सेंटेंस इज इन द पास्ट टेंस, द सबॉर्डिनेट क्लास मस्ट बी इन ओनली इन द पास्ट टेंस। कि अगर प्रिंसिपल क्लास पास्ट टेंस में हो तो जरूरी है कि सबॉर्डिनेट क्लास भी पास्ट टेंस में ही हो।
अगर इसका टेंस पास्ट टेंस के अलावा कोई और टेंस होगा तो सेंटेंस गलत होगा। उदाहरण देखिए, ही सेड दैट ही किल्ड ए स्नेक, उसने कहा कि उसने एक सांप मारा। यहाँ पर ये प्रिंसिपल क्लास, ये सबॉर्डिनेट क्लास। प्रिंसिपल क्लास पास्ट टेंस में, तो जरूरी है कि सबॉर्डिनेट क्लास भी पास्ट टेंस में ही हो। यहाँ पर जो सबॉर्डिनेट क्लास है वो पास्ट इंडेफिनेट टेंस में है। अगला सेंटेंस, ही सेड दैट ही कुड स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, यहाँ पर प्रिंसिपल क्लास, ये सबॉर्डिनेट क्लास। तो प्रिंसिपल क्लास पास्ट टेंस में है और प्रिंसिपल क्लास पास्ट टेंस में है तो सबॉर्डिनेट क्लास भी पास्ट टेंस में ही है। अगर हम यहाँ पर टेंस चेंज करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। अगला है, ही सेड दैट ही वुड हेल्प हिम, उसने कहा कि वो मेरी मदद करेगा। यहाँ पर ये प्रिंसिपल क्लास, ये सबॉर्डिनेट क्लास। तो यहाँ पर प्रिंसिपल क्लास पास्ट टेंस में है, सबॉर्डिनेट क्लास भी पास्ट टेंस में ही है। आगे, ही सेड दैट ही हैड डन हिज होमवर्क, यहाँ पर ये प्रिंसिपल क्लास, ये सबॉर्डिनेट क्लास। प्रिंसिपल क्लास पास्ट टेंस में, सबॉर्डिनेट क्लास भी पास्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट में। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यदि प्रिंसिपल क्लास पास्ट टेंस में हो तो सबॉर्डिनेट क्लास कंपलसरी है, हमारे लिए जरूरी है कि वो भी पास्ट टेंस में ही हम लिखें। अगर उसका टेंस पास्ट टेंस के अलावा कोई और टेंस में लिख दिया तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल है, ही सैड दैट ही डिड नॉट रिकॉग्नाइज मी, यहाँ पर ये प्रिंसिपल क्लास, ये सबॉर्डिनेट क्लास। प्रिंसिपल क्लास पास्ट टेंस में, सबॉर्डिनेट क्लास भी पास्ट टेंस में। रूल नंबर 4, इफ द प्रिंसिपल क्लास ऑफ ए सेंटेंस इज इन द पास्ट टेंस, अगर किसी सेंटेंस की प्रिंसिपल क्लास पास्ट टेंस में है, एट द सबॉर्डिनेट क्लास कंटेन्स ए यूनिवर्सल ट्रूथ और ए प्रोवर्ब और ए स्टेट दैट एग्जिस्ट इवन इन द प्रेजेंट, और सबॉर्डिनेट क्लास में यूनिवर्सल ट्रूथ हो या कोई प्रोवर्ब दे रखी हो या कोई ऐसी स्टेट हो, कोई सिचुएशन हो जो वर्तमान में जिसका अस्तित्व है, तो हम सबॉर्डिनेट क्लास प्रेजेंट टेंस में रखते हैं। उदाहरण देखिए, He said that his name is John, उसने कहा कि उसका नाम जॉन है। ये प्रिंसिपल क्लास, ये सबॉर्डिनेट क्लास। अब ये हम टेंस, इसका प्रेजेंट टेंस है, हमने पढ़ा था कि हमें पास्ट टेंस होगा प्रिंसिपल क्लास का, तो ये पास्ट में रहेगा। लेकिन अभी ये नियम कहता है कि अभी जो हमने नियम पढ़ा है अभी अभी, ये देखिए, इफ द प्रिंसिपल क्लास ऑफ ए सेंटेंस इज इन द पास्ट टेंस, इस सेंटेंस में ये जो प्रिंसिपल क्लास है वो पास्ट टेंस में है, लेकिन ये यहाँ पे हिज नेम इज जॉन, इसका मतलब ये है कि ये जो ऐसी स्टेट है जिसका अस्तित्व अब भी है, ये सिचुएशन है कि उसका नाम चेंज नहीं हुआ, नाम एक बार निकल जाता है वही जिम्मर भर रहता है, तो यहाँ पे उसका नाम चेंज नहीं हुआ है, उसका नाम अभी भी वही है, जॉन ही है, तो यहाँ पर इसलिए इसका टेंस प्रेजेंट है। उसके बाद है, ही सैड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यहाँ पर प्रिंसिपल क्लास पास्ट टेंस में, सबॉर्डिनेट क्लास प्रेजेंट टेंस में है। क्यों है? क्योंकि ये प्रोवर्ब है। उसके बाद, ही सैड दैट द सन राइज इज इन द ईस्ट, यहाँ पर प्रिंसिपल क्लास पास्ट टेंस में, सबॉर्डिनेट क्लास प्रेजेंट में, क्योंकि यहाँ पर ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। ही सैड दैट वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पर प्रिंसिपल क्लास पास्ट टेंस में, सबॉर्डिनेट क्लास भी प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए है क्योंकि यहाँ पर भी ये साइंटिफिक फैक्ट है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इन नियमों को पढ़ने से, जब आप इन नियमों का अध्ययन किया है अभी, अगर इनको सही फॉलो करेंगे तो हम टेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में दोनों जो प्रिंसिपल क्लास और सबॉर्डिनेट क्लास में जो टेंसेस हैं उनमें सही बैलेंस बना पाएंगे और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आपसे नहीं होगी। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।